Namaste Jai Hind and welcome to a conversation which is very unexpected but I'm really looking forward to. He is not somebody who generally gives an audience and also speaks to the media so often. So we're very lucky that we are starting uh, 2024 this year in conversation with the Shankaracharya of the Govardhan Mutt in Puri and he is uh, Swami nichalananda Saraswati ji. Thank you very much. Aapka bahut bahut Swami ji Kurdev. Uh, हमसे बात करने के लिए मेरा पहला प्रश्न गुरुदेव आपसे uh, एक निजी प्रश्न है जो शायद uh, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कर रहा हूँ वर्ण क्या है जाति क्या है इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स तो होते ही हैं पर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी है तो मैं शुरुआत आपसे वहीं से करना चाहूँगा चातुर सिस्टम भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है हेतु दिया गुण कर्म के अनुसार जाति धर्म कुल धर्मांश्वत कुल धर्मां सनातना गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन अर्जुन की आशंका यह थी कि संभावित युद्ध के चपेट में पड़कर कहीं सनातन कुल धर्म जाति धर्म में विकृति न आ जाए और वर्णम व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वी शूद्र होते हैं अगर कोई वर्णम व्यवस्था नहीं मानते तो मनुष्य ही मानते हैं तो मनुष्यत्व जाति वहाँ बैठ जाती है। अनेकों में अनुगत जो धर्म है उसका नाम जाति है घट अनेक है तो घट्व जाति है मनुष्य अनेक है तो मनुष्यत्व जाति है जाति का निराकरण दार्शनिक धराष पर किया नहीं जा सकता दूसरी बात है कि शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखने हों मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रखना हो तो जाति धर्म को मानना आवश्यक है तो हमने संकेत किया जाति व्यापक है वर्ण उसकी सीमा में है अंतर्निहित जैसे हमने बताया कि यदि अमेरिका, ब्रिटेन जर्मनी जापान फ्रांस की शैली में हम परंपरा से वर्ण व्यवस्था नहीं मानेंगे तो भी शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए वैकल्पिक ब्राह्मण क्षति वह शुद्ध तो बनाना ही पड़ेगा वैकल्पिक ब्राह्मण क्षति वैशुद्ध बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा संपत्ति का अधिक उपयोग होगा संस्कार का आधान फिर भी नहीं हो सकेगा पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दे हाथ है मुँह का काम नहीं कर सकता है इसलिए परंपरा प्राप्त जो जाति व्यवस्था है उसी की सेवा में वर्णम व्यवस्था भी है चातुर्वर्णमया सिस्टम भी है जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वत दोनों है कुछ बानु भाव जैसे अशोक सिंघल इत्यादि ने चलाया था कि जाति अलग है वर्ण अलग है लेकिन परंपरा से जो पारिभाषिक शब्द हैं उनका अर्थ समझना चाहिए तभी ठीक ठीक अर्थ लगता है तो मेरा जाति जा... व्यापक है वर्ण उसकी सीमा में वर्ण उसकी सीमा में। दोनों में तालमेल भी है ब्राह्मण क्षति वही शूद्र जन्म से जाति हो ही गई वर्ण भी हो गया कहीं जाति और वर्ण एक हो जाते हैं जाति की व्यापकता है वर्ण उसके अंतर्गत पर गुरुदेव जन्म से है या कर्म से ऐसा हुआ ना कि प्रथ्न, पहले प्रश्न उठता है कि एसपी पद पर कोई नियुक्त है तब तो कर्म करेगा कोई भी जाके ट्रैफिक में कोई भी बन जाए तो ही ना जाएगा इसलिए पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है ये तो स्पष्ट ही है जाति आयु भोग जो है कर्म के फल हैं योग दर्शन के साथ पूर्व कर्मा कर्मानुरूप जन्म होता है जन्म नियंत्रित वर्ण होता है वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है आश्रम नियंत्रित फिर कर्म हुआ पहले भी कर्म बाद में भी कर्म बीच में जन्म नियंत्र कर्म नियंत्रित जन्म हो गया जन्म नियंत्रित वर्ण हो गया वर्ण नियंत्रित आश्रम हो गया वर्ण आश्रम की सीमा में फिर कर्म हो गया पहले भी कर्म बाद में भी कर्म कर्म से संपुटित हुआ या नहीं पर गुरुदेव एक व्यक्ति अपने जन्म में अपने कर्म द्वारा क्या अपने वर्ण को बदल सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं पर सबसे ज्यादा समाज में कुंठा है या प्रॉब्लम ऐसा है कि विदुर थे जी तो ब्राह्मण तो नहीं माने गए तुम तो से शील और स्वभाव को धारण कर सकते हैं लेकिन ब्राह्मण के बेटी से विवाह नहीं कर सकते क्या अब समदम इत्यादि ब्राह्मणोचित स्वभाव हैं सत्युगुण की पराकाष्ठा अगर कोई किसी शूद्र में भी हो सत्युगुण का उत्कर्ष हो तो संघ के प्रभाव से स्वाध्याय के प्रभाव से संकीर्तन के प्रभाव से क्या होता है कि अन्य वर्ण में भी ब्राह्मण स्वभाव का आदान हो सकता है लेकिन रोटी बेटी की मर्यादा वर्ण के अनुसार ही रहेगी स्वभावगत परिवर्तन हो सकता है इसलिए संकेत किया गया कि सनातन धर्म में फल चोरी नहीं फल से किसी को वंचित नहीं किया गया महाभारत आदि में यह भी आख्यान आता है बहुत प्रयास किया किसी क्षत्रिय ने लेकिन बाद में ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद ही परम गति प्राप्त हुई चरम वर्ण चरम वर्ण तो ब्राह्मण ही होते ब्राह्मणत्व का आधान तो स्वभावगत तो भी, थाथ भी थाथ, होना चाहिए वर्णगत भी होना चाहिए दोनों है तो सोने में सुगंध इसलिए पुराण के अनुसार विचार करें तो ब्राह्मण के भी चार भेद हो जाते ब्राह्मण ब्राह्मण एडजेक्टिव भी ब्राह्मण विशेषण भी ब्राह्मण विशेष भी ब्राह्मण क्षत्रियोचित स्वभाव है लेकिन जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय ब्राह्मण हो गए वैश्योचित ढंग से जीविका अर्जित करते हैं जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में वैश्य ब्राह्मण हो गए शुद्रोचित विभाषा विधा से अगर जीवन यापन करते हैं जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में तो विशेष से नहीं बदलेगा विशेषण बदल जाएगा शूद्र ब्राह्मण एक नंबर के ब्राह्मण वही हैं जो ब्राह्मण ब्राह्मण विशेषण भी और विशेष भी दोनों में एकत्र हो गया यह नियम है मर्यादा पर गुरुदेव अगर आप ये कह रहे हैं और जैसे भगवान ने खुद कहा कि चातुर्वर्णम माया श्रेष्ठम पर अगर आज देखें तो एक वेस्टर्न नैरेटिव ये है कि हिंदू धर्म और भारत से आने वाले हिंदुस्तान से आने वालों में यही सबसे बड़ी खोट कही जाती है कि वो जाति को मानते हैं या इस सिस्टम को मानते हैं वर्णाश्रम को मानते हैं जिसे वो कास्ट सिस्टम कहते हैं इनके यहाँ नहीं मुग़ल सैयद पाठान ये सब है भेद या नहीं उनके यहाँ विचार है शेख सैयद मुग़ल पाठान उसको मिटा देंगे क्रिश्चियनों के यहाँ कितने भेद हैं सौ से अधिक भेद हैं दो तीन भेद तो प्रमुख हैं सृष्टि का नाम ही भेद है महाप्रलय में भेद नहीं रहता लेकिन भेद का उपयोग निर्भेद परमात्मा की प्राप्ति में हो भेद के लिए भेद नहीं और आपको मालूम है कछुए की हथेली को देखा आपने ऐसे कछुए की हथेली से उंगलियाँ निकली होती हैं उनमें विभाजक रेखा भी होते हैं लेकिन कछुआ क्यों नहीं कर सकता विभाजक रेखा इसी प्रकार विभाजक रेखा तो है विभाजन सचुच बने नहीं है तो हमारे यहाँ शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें जनसंख्या बिना परिवार नियोजन के गर्भपात के सुरक्षित रहे मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत अपेक्षित है जहाँ परंपरा से टूट गई वहाँ वैकल्पिक बनाकर काम चला सकते वैकल्पिक तो विकल्प वैकल्पिक ही अल्टरनेटिव तो अल्टरनेटिव ही है मुख्य नहीं हो सकता ठीक है पर क्या अभी भागव विश्वामित्र जी, जी।, जी ने बहुत तप किया सब कुछ किया जी और रघुवंशियों को कहा कि हम तपोवल वहाँ पर बिंदु का योग था मातृगर्भ का सब बहुत चरु का योग था लेकिन उन्होंने कहा मेरे में अभी वशष जी कहीं बाहर गए हैं हमारे में यज्ञ करा लो रघुवंशी राजा डर गए पिछाप न दे दें विश्वामित्र के में यज्ञ हुआ लेकिन देवताओं ने आहुति नहीं ग्रहण की अब देवताओं से क्या लड़ते हमने कहा कि यज्ञ करना कराना ये दोनों ब्राह्मणों का काम है यज्ञ ब्राह्मण क्षतिवश्य कर सकते हैं और मांत्रिक यज्ञ में शूद्र भी अधिकृत हैं यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही वेदाध्यन ब्राह्मण क्षतिवैश कर सकते हैं कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है दान दे सकते हैं ब्राह्मण क्षतिव्यस्त लेने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है इसलिए स्वत्रिय और ब्रह्मिष्ट दोनों स्वत्रियत्व पूर्ण रूप से ब्राह्मण क्योंकि वेद पढ़ भी सकते हैं पढ़ा भी, भी सकते हैं जी। पूर्ण स्त्रोत्रियव तो, तो ब्राह्मणों में ही हुआ श्रुति का अध्ययन ब्राह्मण क्षति वैश्य कर सकते हैं करा सकता है ब्राह्मण आचार्य तो जो है भगवान के घर से ब्राह्मण को ही प्राप्त है अब भगवान पर उंगली उठावेंगे भगवान कहेंगे इस अमुक जीव के कर्म के अनुसार हमने उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया ये तो मानना ही पड़ेगा पर गुरुदेव भगवान ने ब्राह्मण कौन है और गुरु कौन है इसकी भी व्याख्या की है पूर्ण गुरुत्व ब्राह्मणों में होता है श्रोत भी हो सकते हैं ब्राह्मणिष्ट भी हो सकते हैं पूर्ण गुरुत्व ब्राह्मणों में होता है ज्ञानी तत्वदर्शी लेकिन क्षत्रिय वैश्य इत्यादि एक उदाहरण देता हूँ जीतराष्ट्र ने कुछ पूछ दिया विदुर जी से विदुर जी जो थे स्थापित होने के कारण धर्मराज के अवतार थे लेकिन शुद्रा गर्भ से जन्म हुआ था कुछ उन्होंने संकेत किया फिर और, कर, और कर, का और का उन्होंने कहा कि शुद्ध योनि में मेरा जन्म हुआ है इसलिए मैं उपदेश नहीं कर सकता महाभारत उपदेश आपको ब्राह्मण ही करेंगे मैंने केवल संकेत किया जानता हुआ भी मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता स्पष्ट है पर पर गुरुदेव ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुआ या जो आज अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं क्या वो ब्राह्मण है या फिर ब्राह्मणत्व के लिए भी उन्हें उस मैंने कहा ना जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है विशेषण तो ब्राह्मण उचित होना चाहिए उदाहरण में देता हूँ ताकि बात स्पष्ट हो जाए लंगड़ी लोलही गाय हो दूध ना दे लेकिन मार दे तो हत्या का पाप लगेगा क्या दूध न देने वाली गाय भी है मारने वाली गाय भी गाय है आखिर कोई कहे मारने वाली गाय को मैंने मार दिया तो गोहत्या तो लगेगी इसीलिए बढ़िया ब्राह्मण कौन है विशेषण भी ब्राह्मण विशेष भी ब्राह्मण लेकिन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण तो रहेगा विशेष नहीं बदल सकता है विशेषण फिर कह सकते हैं क्षत्रियोचित स्वभाव है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण लेकिन विशेष तो वही रहेगा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण रहेगा ही दूसरी बात है कि मिलिट्री में जो जिस पद पर है उसके अनुसार अधिकार पहले या कर्तव्य पहले अधिकार की सीमा में दायित्व तो आज भी मानेंगे क्या अधिकार की सीमा में दायित्व अधिकार पहले या कर्तव्य पहले अधिकार की सीमा में एस के पद पर है तद व्यवहार कर सकता है आचरण कर सकता है मानवोचित अधिकार जितने मनुष्य हैं सबको प्राप्त है अतिरिक्त अधिकार जो है वो तो फिर एसपी के पद पर जो है एसपी का प्रधानमंत्री के पद पर जो है प्रधानमंत्री का हिंदू कौन है गुरुदेव देख कोई अच्छा। भी जजमेंट दे दे जी। एक भी, भी बहुत हो सकते हैं लेकिन जिस केस में जो जज नियुक्त है उसी के द्वारा दिया हुआ जजमेंट जजमेंट माना जाएगा अन्यथा है या नहीं मानना पड़ता योग्यता के दृष्टि से जज बहुत हो सकते जी। लेकिन जिस केस में जो जज या जस्टिस नियुक्त है उसके द्वारा जब ज़ जजमेंट दिया जाए उसी का नाम जजमेंट होगा वकील जो है वकील ही है निरूपण करना वकील का काम है निर्णय देना जज ज़ का जज में भी जो अधिकृत है जिस केस में उसका दिया हुआ निर्णय ही निर्णय माना जाएगा इसी से अगला प्रश्न यह है कि हिंदू कौन है हिंदू और हिंदुत्व जीने का एक जीवन जीने का एक तरीका है जैसे कोर्ट ने कहा है वे जैसा कि राजीव गांधी कहते हैं राहुल गांधी राजीव गांधी चल बस राहुल गांधी कहते हैं मनुष्य मनुष्यत्व तो रहेगा या नहीं <laughs> हिंदू कौन है <laughs> हिंदू शब्द का जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है उन ग्रंथों में हिंदू की पहचान भी है बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है मेदिनी तंत्र में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है भविष्य पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है कालिका पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ हमारा हमारा ग्रंथ है गर्व से हम हिंदू हैं वैदिक वांग में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है वचन भी है स्थल भी है इसलिए हिंदू का अर्थ क्या हुआ दो प्रकार से हिंदू हिंदू दोनों होता हिंदू जब कहेंगे जैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत कन्याकुमारी तो मान सरोवर से कन्याकुमारी पर्यंत जो भूभाग है हिंदुस्तान है स्थान को याद कर स्थान भी कह देते हिंदुस्तान ये भौगोलिक दृष्टि से हिंदुस्तान का अर्थ हिंदू हिंदू नहीं हिंदू हिमालय से लेकर इंदु पर्यंत हिंदू जब कहेंगे तो हीनता दीनता दृढ़ता तुच्छता का जो अपनोदन कर दे उसको फटकने न दे वो हिंदू यौगिक वित्पत्ति भी है भौगोलिक वित्पत्ति भी है दोनों ढंग से हिंदू शब्द का प्रयोग है दोनों ढंग से अर्थ करना चाहिए पर गुरुदेव जब आप हिंदू राष्ट्र की व्याख्या करते हैं या उसके बारे में कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्या है सुनिए सबके पूर्वज सनातनी वैद्य कार्य हिंदू थे या नहीं मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे ईसा के पूर्वज कौन थे सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं दूसरी बात आज भी देखें तो हिंदू शब्द कहाँ कहाँ हैं अगर विचार करें तो कौन हिंद महासागर है या नहीं आज भी है और क्या है हिंदू द्वीप।, द्वीप भी है हिंद महासागर भी है हिंदू कुश हिंदू पर्वत भी है या नहीं तो हिंदू शब्द तो आज भी प्रचलित है हिंदुस्तान हिंदू का अर्थ दो ढंग से हो गया भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र विशेष में रहने वाले हिंदू हो गए दूसरी यौगिक वित्पत्ति के अनुसार जो हीनता दीनता दृढ़ता मानवोचित शील स्वभाव का अतिक्रमण कर दे वो तो नहीं मानी हीनता दीनता दृढ़ता को जो फटकने ना दे वो हिंदू हो गया यौगिक वित्पत्ति की दृष्टि से भी हिंदू शब्द है और भौगोलिक दृष्टि से भी हिंदू शब्द बनता है हिंदू और हिंदू दोनों ठीक दोनों साथ सम्मत है कुछ लोग कहते हैं सेंधु काम अपभ्रंश है हिन्दू हिन्दू लेकिन मूलतः हिंदू कहने पर हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर परन्त हिंदू कहने पर हिनताधीनता दृढ़ता का अपनोदन करने वाला हिंदू हो गया तो हमने संकेत किया कि वृद्धान उपनिषद में शिवन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी ने योग बल से मन शत्रुपा के रूप में स्वयं को व्यक्त किया शत्रुपा ने योग बल से चौरासी लक्ष्य योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया मनु ने योग वर्ष से स्वयं को चौरासी लक्ष्य योनियों में सम्भावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया सबके पूर्व सनातनी वैधिकारी हिंदू हो गए यानी और भागवत इत्यादि पुराणों का अनुशील करें तो मरीची कश्यप इत्यादि के धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि नहीं स्थावर प्राण तरुलता गुल इत्यादि भी उत्पन्न हुए सबके पूर्व सनातनी वैधिकारी हिंदू सिद्ध ही होते हैं इस तथ्य को तथ्य ऐतिहासिक तथ्य कौन नहीं मानेगा पर गुरुदेव कुछ कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए इसमें ये कहते हैं कि फिर ये मेजॉरिटेरियनिज़म हो जाएगा कि एक ही कम्युनिटी, जाति एक रिलीजन को आप बढ़ावा देंगे और बाकियों को दबाने की बात कर रहे हैं ये सही है गलत है अब सुनिए पहली बात यह है हम जैन की बात करते हैं जी उनके यहाँ हमारे यहाँ जो योगदर्शन में पाँच यम हैं एम सा सत्य अस्त्य परिग्रह इन्हीं को योग अगर आज हम कह दें जैनों की दृष्टि में पंचशील कहते हैं जी पंचशील पर मेरा प्रवचन हुआ था जब मैं विज्ञान भवन में यहाँ विद्यार्थी था विज्ञान भवन में पंचशील पर मेरा प्रवचन हुआ था। <laughs> जैन मत पर हमने प्रवचन किया था विद्यार्थी जीवन में यहाँ तो हमने क्या संकेत किया क्या कह रहे थे पंचशील पंच है अब थोड़ा विचार कीजिए किसी व्यक्ति में क्षमता है कि पूर्ण अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपने जीवन उतार ले बिना वर्णाश्रम के सांचे ढांचे में ढाले अहिंसा सत्यस्तय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से ढालना चाहा उनके अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई सत्य के गर्भ से जो झूठ की पराकाष्ठा निकल आई अचौरी के गर्भ से चोरी की पराकाष्ठा निकल आई ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यवचार की पराकाष्ठा निकल आई अपरिग्रह के गर्व से घोर परिग्रह संग्रह की पराकाष्ठा आ गई इसलिए पंचयम को व्यावहारिक धरातल पर लाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था अपेक्षित है अगर नहीं मानेंगे हर व्यक्ति में क्षमता नहीं है अरबों व्यक्तियों में किसी में क्षमता हो सकती है वर्णाश्रम के सांचे ढांचे में ढाले बिना अपने जीवन पंचशील या पंचयम को प्रतिष्ठित कर दे तो मैं यही पूछ रहा हूँ तो आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना गलत नहीं है गलत है ये नहीं सही है लेकिन कौन करे आजकल कर के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री कर सकते हैं क्या वो सब काम उनके सीमा का है क्या चाहे भी तो नहीं कर सकते वो सब काम हम लोगों का है और हम लोगों का है इसके लिए पहले वातावरण बनाना चाहिए हमारे काम करने की विधा है साथ वाले जानते हैं अस्सी प्रतिशत काम भाव राज्य में बना के परमाणु तैयार करके हो जाता है बाकी कितने बचे बीस प्रतिशत बीस प्रतिशत जो काम है व्यवहार में थोड़ा संघर्ष करके हो जाता है हाथ पाँव चला के हो जाता है अस्सी प्रतिशत काम भावराजी में हो जाता है उदाहरण के लिए मैं नैमिसरण आदि में था जी चौदह घंटे निर्गुण का चिंतन करता निर्गुण परमात्मा वृंदावन में आया उड़ियाबा जी के यहाँ ठहरा सन बहत्तर उन्नीस सौ बहत्तर चिंतन करने लघु वहाँ के परमाणु उठा के फेंक दें चिंतन एक मिनट भी ना हो छः महीने तक वहाँ के परमाणु बनाने में लगे मुझे छः महीने के बाद चौदह चौदह घंटे फिर मैं निर्गुण का प्रव... चिंतन करने लगा परमाणु बनाया जाता अस्सी प्रतिशत काम हम लोग परमाणु बना के कर लेते हैं वहाँ कोई संघर्ष नहीं है परमाणु बनाने में अंतर्निहित संघर्ष होता है और जब मैं यहाँ आया पूरी में शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ वहाँ एक मिनट न सगुण का चिंतन होने निर्गुण का हमने समझ लिया कि यहाँ वर्षों से किसी ने सगुन निर्गुण का चिंतन ही नहीं किया वहाँ भी छः महीने परमाणु बनाने में लगे अब पूरी में चाहे चौबीस घंटे में मैं बीस घंटा चाहूँ पंद्रह घंटा चाहूँ जितना चाहूँ सगुन निर्गुण का चिंतन कर सकता हूँ इसलिए परमाणु बना कर के ही अस्सी प्रतिशत काम हो जाते हम लोग जो है बाहर संघर्ष के लिए बीस प्रतिशत व्यवहार में इतिहास बनाने के लिए अपना इतिहास समाज का इतिहास बने अपना इतिहास तो बन ही जाता अस्सी प्रतिशत काम तो अब बस वायुमंडल बना के हो जाता अब है अब स्मशान है उदाहरण के लिए वहाँ से जाएंगे तो वहाँ के परमाणु आपके मचार को प्रभावित करेंगे बलिष्ठ परमाणु है तो कम प्रभाव पड़ेगा नहीं तो पड़ जाएगा और अगर पूजन का स्थल है भगवान देवी देवता के वहाँ से गुजरेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा हाइड्रोजन ऑक्सी नाइट्रोजन आदि का प्रभाव पड़ता है या नहीं गैस इत्यादि का प्रभाव पड़ता है या नहीं संक्रामक रोग का प्रभाव पड़ता है या नहीं इसी प्रकार से काक भुसुंडी आदि का आश्रम का वर्णन है इतने योजन तक जो आता था क्या होता था उसके जीवन में वो शुद्ध विचार हो जाता था जी मानसरोवर का वर्णन स्कंद पुराण में वहाँ के जल में वो जो मानसरोवर का स्वरूप है वहाँ के जल में वो क्षमता है कि वहाँ के जल को लेकर हवा चलती है कौवा को, को भी हमश बना दे।, बना दे वो क्षमता होती है जल आदि में भी तो जल में जल में भी अंतर है पृथ्वी पृथ्वी में अंतर है यानी चीनी मिट्टी सामान्य मिट्टी खरगोन की मिट्टी कपास कहीं उत्पन्न करे कहीं कुछ हो और आजकल तो विचार करके देखें कोयला भी मिट्टी है हीरा भी मिट्टी है यानी मिट्टी का परिष्कृत सोना को दर्शन साथ में तेजस कहा गया तेज का परिणाम लेकिन हीरा को पार्थिव कहा गया पार्थिव कहा गया पार्थिव कहा गया, पार्थिव कहा गया है तो कोयला भी है कार्बन हीरा भी है लेकिन दोनों में अंतर है मिट्टी मिट्टी में अंतर होता है या नहीं इसलिए हमने संकेत किया जब पृथ्वी पृथ्वी में जल जल में अंतर है एक कर्मनाशा का जल हुआ जहाँ स्नान करें तो पूर्ण क्षय हो जाए गंगा इत्यादि है पाप का क्षय हो जाए तो जल में भी अंतर है अग्नि में भी अंतर है वायु श्मशान की आग है और अग्निहोत्री के घर की आग है अंतर हुआ या नहीं वायु में भी अंतर होता है आकाश में भी अंतर होता है अगर उधर जिधर आर्योचित आचार विचार नहीं है वहाँ जाके किसी बाग में ही बैठ जाए वहाँ का वायुमंडल वहाँ के वायुमंडल उस व्यक्ति के विचार को दूषित कर देगा इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी अंतर पड़ जाता है भाव राज्य में दिव्यता का आदान करने पर क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है और भोपाल का गैस कांड तो पड़ा या नहीं जी आ, लेकिन कहाँ नहीं पड़ा कम पड़ा जहाँ गोबर थे गायें पलती थी गाय के गोबर जहाँ से वहाँ उसका भोपाल गैस कांड का कम प्रभाव पड़ा तो प्रभाव पर का भी अंतर है या नहीं? पीपल का जहाँ वृक्ष रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ता है छोड़ता है गाय भी ऑक्सीजन छोड़ती है तो पशुओं में भी अंतर है वृक्षों में भी अंतर है या नहीं? वृक्ष वृक्ष सब एक समान तो नहीं होते गुरुदेव 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है ही, पूछना तो यही था आपको लेकिन इतने पूछा बताएं हाँ प्रश्न तो मुझे सारे ही पूछने थे इस प्रश्न पे यह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला विराजमान की इसका इम्पोर्टेंस क्या है हुँ? इसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए ये क्यों अनिवार्य है ये क्यों प्राथमिक है ऐसा है कि राम जी ने राम राज्य की प्रतिष्ठा की या नहीं युधिष्ठिर जी ने धर्म राज्य की प्रतिष्ठा की तो राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए राम जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना आवश्यक है और जन्मस्थल जो उनका है स्कंद पुराण में राम जी के जन्मस्थल का वर्णन हमने अपने स्थल किसी ग्रंथ में पूर्व में क्या है पश्चिम में क्या है उत्तर में क्या है दक्षिण में क्या है हमने अपने ग्रंथ में स्कंद पुराण से लेकर रामलला की जन्मभूमि का क्षेत्र भी कहीं किसी ग्रंथ में लिखा एक सौ अस्सी ग्रंथ हो गए किस ग्रंथ में क्या लिखा हमारे लिए भी कठिन है एक सौ अस्सी ग्रंथ अब तो लिख चुके हैं हमने संकेत किया इसलिए प्रतिष्ठा होना बहुत आवश्यक है विधिवत प्रतिष्ठा हो सोने में सुगंध विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए अम्बेडकर की मूर्ति त्वल्यकर जी की मूर्ति वो सब अलग है राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा जो है अर्चा विग्रह कहते हैं विधिवत होनी चाहिए तो क्षेत्र में उत्कर्ष होता ही है और अपना इतिहास जो कुछ समय के लिए कुछ विकृत कर दिया गया या घटना ही ऐसी हो गई कि रामलला अपने स्थान पर जन्म स्थान पर प्रतिष्ठित ना हो सके उसकर् निवारण भी आवश्यक है परंतु विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए नहीं तो स्कंद पुराण में लिखा है अगर देवी देवता की प्रतिष्ठा विधिवत न हो उनकी आराधना विधिवत न हो तो वहाँ से देवता का देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता है निकल जाता है उसमें भूत प्रेत डाकनी शाकनी का तेज प्रतिष्ठित हो जाता है वो पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं प्रतिष्ठा होनी चाहिए लेकिन विधिवत शास्त्रीय विधा से हम एक बात आजकल कहते हैं यातायात के जो नियम हैं जी वो तो लौकिक हैं अमेरिका में राइट हैंड साइड भारत में लेफ्ट हैंड साइड लेकिन यातायात के जो विधि निषेध हैं नियम हैं उनका अनुपालन करेंगे तो गंतव्य तक पहुँचेंगे जी तो जब लौकिक फल की प्राप्ति के लिए भी लौकिक विधि निषेध का जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित है पालन करना पड़ता है तो शार्थसम्मत फल की प्राप्ति के लिए शास्त्रसम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना ही चाहिए वहाँ मनमाना करने से उचित नहीं आधा तीतर आधा बटेर उचित नहीं पर गुरुदेव इस मंदिर में रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की वजह से और राम की वजह से क्या भारत में एक चेतना का जागरण होगा अभी से चेतना का जागरण हो रहा है ठीक है हो रहा है साढ़े पाँच सौ वर्ष लोग कहते हैं तो इतिहास की प्रतिष्ठा पूर्ण हो रही हो है उचित ही राम जी प्रतिष्ठित होंगे तो राम राज्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए पर कुछ लोग राम को काल्पनिक कहते हैं हाँ वो और... वो अगर काल्पनिक नहीं है तो राम कहाँ से काल्पनिक हो गया सुनिए हमारे यहाँ उपन्यास के जो काल्पनिक पात्र होते हैं उनके काल्पनिक पात्र की जन्मभूमि होती है कोई नहीं ना तो राम जी की तो जन्मभूमि है क्या वंश परम्परा है काल्पनिक कैसे हो गए सूर्य वंश है वंश है वंश है इन सबको काल्पनिक कह देंगे काल्पनिक अर्थ क्या होता है सामने वाला काल्पनिक करने वाला काल्पनिक नहीं है क्या अपने पूर्वजों के ही मान्यता पर इतिहास पर पानी फेरना हुआ या नहीं रघुवंश का वर्णन है या नहीं वाल्मीकि रामायण इस समय क्या हुआ रघुवंश काव्य है या नहीं वो इतिहास भी है और काव्य भी है काल्पनिक अर्थ क्या हुआ काल्पनिक अर्थ हुआ उपन्यास का पात्र जी तो राम जी के जो यात्रा सब स्थल आजकल वह हैं या नहीं राम जी ने जो वन गमन किया सब यात्रा आजकल है या नहीं वो सब काल्पनिक ही है क्या मेरा अंतिम प्रश्न है गुरुदेव राम और कृष्ण दोनों अलग अलग युगों में थे दोनों को कहा जाता है उन्होंने धर्म की स्थापना की पर दोनों के तरीके काफ़ी विपरीत देखे जा सके कहे जा सकते हैं तो दोनों ने कैसे धर्म की स्थापना और मर्यादा पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दोनों ही हैं इसलिए लीला भी या मर्यादा भी मर्यादा की प्रतिष्ठा के बाद में लीला का स्थान आता है इसलिए राम जी का अवतार पहले हुआ और राम जी ही तो कृष्ण बने या नहीं क्या दुहावली भी भी लिखे हैं तुलसीदास जी ने और रामचरित पर राम जी पर लिखा या नहीं तुलसीदास जी ने राम जी पर भी लिखा है और कृष्ण जी पर भी लिखा कृष्ण जी पर भी कृष्ण जी पर भी तुलसीदास जी का ग्रंथ है इसलिए कृष्ण भगवान भी लीला पुरुषोत्तम है परमोशों के मार्ग को प्रशस्त करने वाले लेकिन कृष्ण भगवान जो ब्रज के कृष्ण भगवान हैं द्वारका के श्री कृष्ण भगवान हैं क्या वह मथुरा के कृष्ण भगवान हैं इन सब में अंतर हो गया यानी माने कृष्ण भगवान तो एक ही हैं लेकिन मर्यादा की स्थापना नहीं की तो राज्य कैसे हुआ द्वारकाधि श्री कृष्ण भी हैं भ्रज और जो कुछ मर्यादा वो कहते हैं माखन चोरी आदि की लीला अवस्था कितनी थी भ्रज में रहे कितने वस्ते तो बाल लीला अलग है उसके बाद की लीला अलग है भगवान श्री कृष्ण ने भी मर्यादा का अतिक्रमण किया ये तो नहीं कह सकते विवाह इत्यादि की बात थी तो असुरों के पास वो सब देवियाँ चली जाती इसलिए ठीक भी है तो लीला पुरुषोत्तम भी है मर्यादा पुरुषोत्तम भी है मर्यादा और लीला पुरुषोत्तम सब दोनों में अनुगत है यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है मे, दोनों में बौथ में दोनों में अनुगत कौन है पुरुषोत्तम तो दोनों पुरुष और पुरुषोत्तम अक्षर अक्षर पुरुष से भी उत्कृष्ट जीव और जगत से भी उत्कृष्ट हो गए पुरुषोत्तम वो पुरुषोत्तम दोनों गुरुदेव अपने भक्त के कारण राम भय राम हो हम भले विराजे नहीं ये तुलसीदास जी ने हाँ। आके कहा वृंदावन में तब तो तुलसीदास जी की बहुत बढ़िया कहा कौन छनाथ आज की लेकिन तुलसी मस्तक नवत है अनुसुआ लोहा तुलसीदास जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान वृंदावन की बात है बस रामभद्र के रूप में प्रकट हो गए प्रकट हो गए दृष्टि में जो विशेषता होती है उससे द्वारा राम जी कृष्ण भी हो जाते हैं कृष्ण जी राम भी हो जाते हैं गुरुदेव बहुत बहुत आभार Thank you very, very much. Amazing conversation with uh, the Pooja Shankaracharya of the Kovardhan Mutt in Puri. We hope we can uh, meet him again and speak with him again. But for the moment, that's it from here.